हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, ये हमारी साइंस पेडागोजी की फोर्थ क्लास है। इससे पहले तीन क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनके कई सारे आंसर होते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका एडिशन 7 होगा, तो कई सारे आंसर निकल के आ जाएंगे। तो इसी तरह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। पहला देखते हैं। पहला कह रहा है, हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक चेहरा देखते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसका एक ही रीजन होगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड एंडेड है। फिर कह रहा है, चंद्रमा का आकार हर दिन क्यों बढ़ता है? इसका भी एक रीजन है, यानी कि ये भी आपका क्लोज्ड एंडेड हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि एक लूनर दीर्घवृत्त के दौरान क्या होता है? तो ये भी क्या है? एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो ये भी सही नहीं होगा, सॉरी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। क्लोज्ड एंडेड क्यों? क्योंकि इसका एक ही आंसर होगा। फोर्थ कह रहा है कि यदि चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि अलग अलग हो तो क्या होगा? यानी कि अगर चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की जो अवधि है, ड्यूरेशन है, वो अलग अलग हो जाएगी, तो उसके कई सारे इफेक्ट्स निकल के आ जाएंगे। किसी एक एरिया में इफेक्ट निकल के नहीं आएगा, यानी इसके कई सारे आंसर होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि फोर्थ क्या है, एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कथन वैज्ञानिक सिद्धांतों के संबंध में सही है, यानी साइंटिफिक थ्योरीज के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। पहला कह रहा है कि वे दी गई जानकारी के आधार पर टिप्पणियों की व्याख्या करते हैं। सही बात है, जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया होता है, उसमें हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। तो पहला तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वो भविष्य के अवलोकनों के परिणामों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। यानी हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई रिजल्ट निकल के आया, अब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसे ही अगर हम फ्यूचर में कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका भी जो रिजल्ट होगा वो सेम एज इट इज होगा। यानी ऐसे ही कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, यानी हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में जो एक्सपेरिमेंट होंगे उनके बिहाफ पे हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो सेकेंड भी आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है, दे आर जनरलाइजेशन ऑफ इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये सही नहीं है। फिर फोर्थ कह रहा है कि वंस प्रूवन अ थ्योरी कैन नॉट बी डिसअप्रूव। यानी कि अगर एक थ्योरी एक बार प्रूव हो जाती है तो फिर हमें डिसअप्रूव नहीं कर सकते, उस पर हम उंगली नहीं उठा सकते। क्या ये क्वेश्चन सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस में डेली कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, थ्योरीज बदलती रहती हैं। जरूरी नहीं कि जो पहले हम पढ़ते थे, जो पहले रूल्स रेगुलेशन पढ़ते थे किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी ऑब्जर्वेशन के बारे में, किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में, आज भी वो सेम एज इट इज हो। हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि नहीं फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। यहाँ फोर्थ भी आपका करेक्ट नहीं होगा, यानी कि ए बी सही है। ए बी किसमें दिया हुआ है? ए बी सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंधी के दौरान निम्नलिखित में से किस गतिविधि से बचना चाहिए, यानी किससे खुद की रक्षा करनी चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है, वायर्ड फोन के माध्यम से बात करना, एकदम सही है। आंधी के टाइम पे हमें वायर्ड फोन के माध्यम से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वायर्ड फोन में क्या होती है, केबल बिछी होती है। आंधी के दौरान हो सकता है पेड़ गिर जाए, टूट जाए, और इसमें वैसे भी क्या होते हैं, आपके वाइब्रेशंस होते हैं। आंधी आएगी, मौसम खराब होगा, हो सकता है बिजली, आंधी, पानी सब आ जाए, तो उसमें से आपकी जो तरंगे होती हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर जाती हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वायर्ड फोन के माध्यम से बात नहीं करनी चाहिए जब आंधी आए। दूसरा कह रहा है, जमीन पर नीचे बैठना, बिल्कुल बैठ सकते हैं। मोबाइल फोन का उपयोग करना कर सकते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये वाला ज्यादा सही है। यानी ये नहीं करना चाहिए, मोबाइल फोन का उपयोग भी बेसिकली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इफेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर बारिश वाला मौसम हुआ तो तरंगे कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाएंगी। छोटे पेड़ों के नीचे सड़न लेना सही है, बड़े पेड़ों के नीचे सड़न नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि बड़े पेड़ गिर सकते हैं, लेकिन छोटे पेड़ों के गिरने की इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, या गिर भी जाए तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीजोन ने मैराथन में भाग लिया, यानी कि भागने वाली दौड़ है, उसने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। वो एक नियमित वॉकर नहीं है, यानी रेगुलर वॉकर नहीं है, डेली नहीं टहलता है, कभी कभी मन हुआ तो टहल लिया। उसी तरह उसने एक मैराथन में भाग लिया जिसमें उसको क्या करना है, भागना है। तीसरा कह रहा है कि तेज दौड़ने के कारण उसके पैरों में ऐंठन होने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए मांसपेशियों में आंशिक रूप से बी तक टूट गया।
बी के सी और डी में पूर्ण रूप से टूटने के कारण गर्म पानी के स्नान से उसकी स्थिति में सुधार हुआ। तो बताइए ए बी सी और डी की जगह पर क्या प्लेस किया जा सकता है। तो जो हमारे जैसे हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमारे पैरों में ऐंठन होने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो मांसपेशियों में आंशिक रूप से टूट जाता है। कहाँ तक टूट जाता है? बी तक, यानी कि बी की जगह पर लैक्टिक एसिड हो जाएगा, सी की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और डी की जगह पर पानी हो जाएगा। ऐंठन होने का कारण ये है क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में आंशिक रूप से टूट गया है और लैक्टिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में पूर्ण रूप से टूटने के कारण गर्म पानी से स्नान करने में उसकी स्थिति में सुधार आ जाएगा। यानी ए बी सी डी की जगह पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पर हम प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो उस व्यक्ति के मुंह की गुहा में बाधित होगी जिसके लार में लार एमाइलेज की कमी है। यानी एक व्यक्ति है उसके लार में लार एमाइलेज की कमी है, तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा जो उसके मुंह की गुहा में प्रभावित होगा, इम्पैक्ट डालेगा। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा स्टार्च का शर्करा में रूपांतरण। ये जो प्रोसेस है ये इफेक्ट कर जाएगा अगर किसी मनुष्य के लार में लार एमाइलेज की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोल रहा है कि यह घने जंगलों में बहुतायत में पाया जाता है, यानी जो घने जंगल होते हैं वहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। एकदम सही है क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जम्स होते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को ज्यादा मिलेगी। तो फर्स्ट तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है यह केवल एक क्षेत्र में पाए जाने वाली जीवों को संदर्भित करता है। जी नहीं, किसी एक फील्ड में आप डेफिनेट नहीं कर सकते इसको। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रही है किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाली व्यक्तिगत प्रजातियों की कुल संख्या को संदर्भित करता है। हम इंडिविजुअल नहीं बात करेंगे, इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, जर्म्स सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम किसी व्यक्तिगत प्रजाति के बारे में बात नहीं कर सकते, तो सी भी सही नहीं है। फिर कह रही है किसी दिए गए क्षेत्र में मौजूद जीवित जीवों की विविधता को संदर्भित करता है। ये एकदम सही है, यानी ए और डी सही हो जाएगा। फोर्थ में दिया हुआ है आपका ए एंड डी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि कौन सा सही स्टेटमेंट है आपको पहचानना है। पहला है कि उत्तल दर्पण हमेशा एक वास्तविक छवि बनाता है। क्या स्टेटमेंट सही है? हमेशा एक वास्तविक छवि नहीं बनाएगा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। एक अवतल दर्पण हमेशा एक आभासी छवि बनाता है, ये भी स्टेटमेंट सही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। एक अवतल लेंस हमेशा एक वास्तविक छवि बनाता है, ये भी सही नहीं है। फोर्थ कह रहे हैं कि उत्तल लेंस एक वास्तविक और साथ ही साथ एक आभासी छवि बना सकता है। फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि वो एक रियल इमेज भी फॉर्म कर सकता है, एक वर्चुअल इमेज भी फॉर्म कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक अभिकथन दिया हुआ है, उसके बारे में आपको तर्क दिया हुआ है, आपको बताना है कि दोनों सही है, नहीं सही है, क्या सही है, क्या गलत है। अभिकथन दिया हो कि चीनी का घोल बिजली का एक अच्छा संवाहक है, यानी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होती है वो आयंस में होती है और चीनी का जो घोल होता है वो आयंस में विघटित नहीं होता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका, यानी कि जो आपका अभिकथन दिया हुआ ये गलत हो जाएगा। रीजन क्या दिया है कि चीनी पानी में आयनों में विघटित नहीं होती, एकदम सही है, चीनी पानी में आयनों में विघटित नहीं होती, इस वजह से चीनी का जो घोल होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ए तो गलत है लेकिन आर सही है, तो ए असत्य है लेकिन आर सत्य है, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा कथन बल चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही नहीं है। तो पहले हम देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं की क्वालिटीज क्या होती है। चुंबकीय बल रेखाओं की क्वालिटीज ये होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ चलेंगी और जो पोल साइड होता है यानी पोल एरियाज में इनकी संख्या ज्यादा होती है, ये इसकी क्वालिटीज हैं। अब देखते हैं कौन कौन मैच कर रहा है। पहला कह रहे हैं कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी इंटरसेक्ट नहीं करती, सब सही, यही अभी हमने देखा। प्रत्येक रेखा एक बंद और निरंतर वक्र बनाती है, ये देखिए क्लोज्ड कर्व बना रही है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी कि जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिणी से उत्तरी की ओर होती है, नहीं,
नॉर्थ से साउथ की ओर होगी, साउथ से नॉर्थ की ओर नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन के बिहा पे आपका थर्ड सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या पूछ रहा है, नॉर्थ पूछ रहा है, और नॉर्थ थर्ड ऑप्शन है, यानी कि गलत है इसके बिहा पे, ये क्वालिटीज नहीं है मैग्नेटिक लाइन्स की, यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूली बच्चे को कमजोरी और मसूड़ों से खून आने की शिकायत है, यानी एक बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, उसे कमजोरी फील होती है और उसके मसूड़े में खून आता है, तो उसे किसका सेवन करने में, यानी उसका हमें क्या उसे सजेस्ट करना चाहिए कि तुम्हें क्या सेवन करना चाहिए, यानी खाने में क्या क्या चीजें अपने खाने में ऐड करनी चाहिए, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है। तो गाइस अगर हम बात करें तो एक स्टडी में यह सामने आया है कि विटामिन सी की कमी के कारण भी मसूड़ों में खून आने का आ सकता है, यानी कि मसूड़ों में जो खून आने का कारण है वो विटामिन सी की वजह से भी हो सकता है। तो हम ऐसी चीजों को अपने खाने में ऐड करेंगे, यानी उस बच्चे को सजेस्ट करेंगे जिसमें विटामिन सी की प्रचुरता हो, अधिक हो, यानी कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता हो। अब ये देखिए कि इनमें विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवला में। तो आपका सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन के बिहाफ पे सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टॉप क्वेश्चंस को, यानी टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम का, जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे आपको वहां इसका PDF फ्री में मिल जाएगा। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस PDF डाउनलोड कीजिए और अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।